डायग्नोस्टिक टेस्ट्स आर एडमिनिस्टर्ड टू, भाई डायग्नोस्टिक टेस्ट जो हैं, जिसको निदानात्मक परीक्षण कहा जाता है, वो किस लिए लिए जाते हैं, उनका पर्पस क्या है? पहला है टेस्ट द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ स्टूडेंट्स फॉर प्रोवाइडिंग देम जॉब्स, जॉब के लिए होते हैं क्या? है स्कूल में आप जॉब के लिए टेस्ट लेते हैं? या फिर जज द स्टूडेंट्स कैपेबिलिटीज, मतलब बच्चे की कैपेबिलिटीज को जज करने के लिए होते हैं, या फिर फाइंड आउट डेफिशियंसीज ऑफ द स्टूडेंट्स विद अ व्यू टू प्लानिंग रेमेडीज, भाई बच्चे कहाँ सीखने में कमी हो रही है, गलती कहाँ हो रही है, ये जान पाए आप और प्लान कर पाए आगे उनको क्या रेमेडी देनी है जिससे आप जिससे वो बेहतर सीख पाए। फिर है असेस द सूटेबिलिटी ऑफ अ कैंडिडेट फॉर अ स्पेसिफिक प्रोग्राम, एक प्रोग्राम के लिए वो कितना सूटेबल है ये देखेंगे। जी नहीं, बिल्कुल सिंपल है, डायग्नोस्टिक मतलब जैसे डॉक्टर या जैसे आपका पैथोलॉजी लैब्स वगैरह क्या करती है, डायग्नोज करती है आपको बीमारी है कौन सी। ठीक है, टेस्ट किया जाएगा पहले, डायग्नोज किया जाएगा, किस डॉक्टर डायग्नोस करेगा पहले बीमारी क्या है, जब बीमारी या परेशानी या डेफिशिएंसी कमी कहाँ है बच्चे को सीखने में ये पता लग जाएगी, तो आप रेमेडी प्लान करेंगे कि आप दवाई कौन सी दी जानी चाहिए, उसी तरीके से टीचर भी करता है। ठीक, सी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ, 12th क्वेश्चन आएगा जिसमें बात हुई है स्ट्रक्चरल अप्रोच गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू। अभी कुछ ही दिन पहले मुझे लग रहा है, बहुत ज्यादा 1-2 महीने ही हुए होंगे अभी ये वाला जो सीटेट गया, उससे पहले हमने एक वीडियो में डिस्कस किए थे टीचिंग मेथड्स या मेथड्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग या इंग्लिश पेडागॉजी, ऐसा कुछ एक वीडियो है, सर्च कीजिएगा, उसमें मैंने शायद 10-12 मेथड्स को डिस्कस किया है जो भी इंग्लिश पेडागॉजी में पूछे जाते हैं, जिसमें से एक है स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच जैसा आप नाम से जानना जान पा रहे हैं कि स्ट्रक्चर, लैंग्वेज स्ट्रक्चर के बारे में बात करती है, रीडिंग राइटिंग के बारे में बात करती है, गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू वॉट, किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, सिर्फ बोलने को, रीडिंग एंड राइटिंग को, स्पीच एंड राइटिंग को, या रीडिंग को। अब इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि इसमें बोलने को मौका नहीं दिया जाता, स्ट्रक्चर पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, चाहे वो लिखने का हो चाहे वो पढ़ने का हो। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ये बिल्कुल क्या है, फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आपको फैक्ट्स पता होंगे। जैसे ये क्या है भाई, प्याजे की 4 स्टेजेस हैं, ये क्या है, फैक्ट है, इसमें आप अपना दिमाग नहीं लगा सकते। तो उसी तरीके से ये है स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच में स्पीकिंग को इग्नोर कर दिया जाता है, स्ट्रक्चर्स पर ज्यादा फोकस होता है, और स्ट्रक्चर्स को कब आप ज्यादा समझ पाएंगे, जब आप पढ़ेंगे और जब आप लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 12th क्वेश्चन के बाद, 13th क्वेश्चन पर आएंगे, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर मीनिंग बेस्ड एक्टिविटीज, मीनिंग बेस्ड एक्टिविटीज जिनका कुछ अर्थ निकले बच्चों के लिए, ठीक है, आपके लिए नहीं बच्चों के लिए। ओ गॉड सॉरी, देखिए एक बार आंसर कीजिए। सॉरी, मीनिंग बेस्ड एक्टिविटी नहीं है, नॉट पूछा है। पहला है रीडिंग द टेक्स्ट एंड देन नैरेटिंग द सेम टू पीयर्स, पढ़ना और फिर नैरेट करना, बच्चे पढ़ें और अपने जो साथी हैं उनके उनको नैरेट करें, उनको बताएं, तो इसमें तो मीनिंगफुल लर्निंग होगी ना, उनको जब अर्थ समझ में आएगा तभी तो वो आगे समझा पाएंगे, नॉट पूछा है तो हट गया। फिर है रीडिंग आउट एवरी वर्ड अलाउड एंड ट्रांसलेटिंग इट, भाई वो हर वर्ड को पढ़ें जोर जोर से और उसको ट्रांसलेट करें। इंटरेक्टिंग विद द टेक्स्ट या यूजिंग प्रीवियस नॉलेज, तीनों ही क्या है, ये मीनिंगफुल लर्निंग है जहां बच्चे की समझ बढ़ रही है, लेकिन यहां बात हो गई मैकेनिकल बनाने की बच्चे को, कि सिर्फ पढ़ा तेज तेज और ट्रांसलेट करके बता दिया। ठीक है, तो बी ऑप्शन लीस्ट इंपॉर्टेंट है या मीनिंग बेस्ड एक्टिविटी में नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 13th क्वेश्चन की तरफ, ओ गॉड 14th क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन रहते हैं। डैश कॉम्प्रिहेंशन इज द स्किल ऑफ रीडिंग अ पीस ऑफ टेक्स्ट क्लोजली और इंटेंसली फॉर द पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। अब बहुत ही अच्छा है, बस भाषा बदल दी है, किस प्रकार का कॉम्प्रिहेंशन, एक स्किल है रीडिंग की, जब आप किसी एक टेक्स्ट को क्लोजली इंटेंसली पढ़ते हैं, किस एक पर्पज से, कि आप एक्सट्रैक्ट कर पाए स्पेसिफिक कोई एक पर्टिकुलर, कोई एक निश्चित इंफॉर्मेशन को, बताएं एक बार। कोई बात नहीं कमर तौहिद, लेट हो गए तो कोई नहीं, पहले पीछे से देख लेना, ऑनलाइन का यही फायदा है, आप कहीं से भी वीडियो देख सकते हैं आगे पीछे करके, बताएं एक बार। तो ये लोकल कॉम्प्रिहेंशन है, ट्रांजेक्शनल है, इन्फेरेंशियल है, ग्लोबल है? देखो लोकल कॉम्प्रिहेंशन है ये, लोकल कॉम्प्रिहेंशन में, या इसको इंटेंसिव स्किल का एक हिस्सा या एक प्रकार कह सकते हैं, इंटेंसिव स्किल है एक तरीके की, जिसमें आप स्पेसिफिक डिटेल को ढूंढते हैं, जैसे इंटेंसिव रीडिंग में ढूंढते हैं,
तो ये लोकल कॉम्प्रिहेंशन कहलाता है। ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन क्या है, जब आप एक जनरल आइडिया के लिए पढ़ते हैं वही एक्सटेंसिव से जोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है, इसलिए लोकल इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे 15th क्वेश्चन पर। 15th क्वेश्चन है, इट इज अ टाइप ऑफ राइटिंग इन विच द टीचर प्रोवाइड्स द सिचुएशन एंड हेल्प्स द क्लास टू प्रिपेयर इट। भाई एक प्रकार का क्या है ये, राइटिंग का एक प्रकार है जिसमें शिक्षक क्या करेगा, एक सिचुएशन देगा, एक परिस्थिति देगा और हेल्प करेगा बच्चे को, क्लास को प्रिपेयर करने के लिए कि इसको कैसे लिखना है। इस पर द टीचर कॉन्टिन्यूअसली प्रोवाइड्स फीडबैक, बिल्कुल सतत रूप से शिक्षक क्या कर रहा है, फीडबैक दे रहा है, कहां कैसे लिख रहे हो, डायरेक्शन दे रहा है कि भाई ऐसे लिखो, बहुत बढ़िया मुकेश। फिर है एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज, मतलब हेल्प की जा रही है बच्चे की लगातार, अकेला नहीं है बच्चा। अब इस स्थिति में जो आंसर होगा वो क्या होगा, फ्री राइटिंग है, प्रोडक्ट राइटिंग है, कंट्रोल्ड राइटिंग है या गाइडेड राइटिंग है? आंसर बताइए बहुत तेजी के साथ। आंसर हो जाएगा गाइडेड राइटिंग। क्यों? क्योंकि पूरा गाइडेंस मिल रहा है बच्चे को, ठीक है, पूरा गाइडेंस निर्देशन के साथ उसको गाइड किया जा रहा है कि भाई ये करो, ऐसे करो, यहां पे फीडबैक मिल रहा है, प्रॉपर बात। फ्री राइटिंग में कुछ आपको फिक्स टाइम दे दिया जाता है, भाई 20 मिनट्स में लिखो फटाफट से, जैसे भी जो भी थॉट आए उसके हिसाब से, ठीक। तो फिक्स टाइम पीरियड होगा यहाँ, फ्री राइटिंग इसलिए नहीं होगा। प्रोडक्ट राइटिंग में होता है कुछ पर्टिकुलर जो भी आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई इसका ना मेन जो सार है वो ये निकल के आना चाहिए, इस चीज के लिए लिखो, हमें ये चाहिए प्रोडक्ट, तो अब प्रोडक्ट राइटिंग होगी, लेकिन यहाँ ऐसा कोई एम नहीं दिया। फिर है कंट्रोल्ड राइटिंग। कंट्रोल्ड राइटिंग में आपको बहुत सारे इनपुट्स दे दिए जाते हैं, इन इन चीजों पर आपको ध्यान रखना है और इसके हिसाब से लिखना है, यहाँ ऐसी भी बात नहीं हुई, ठीक। तो ये गाइडेड इंस्ट्रक्शन या गाइडेड राइटिंग थी।